सहेली है कौन की? अम्मी धूम शुरू हो गई जाने के टाइम पे, धूम धूम धूम। ऑनलाइन ऑटो बुकिंग का किस्सा ऐसा है कि कभी बहुत जल्दी हो जाती है तो कभी बहुत देर से होती है। तो इस टाइम पे हमारा ऑटो जल्दी बुक हो गया था, सडन विद इन 2 मिनट्स, और वो घर के पास भी आ गया था। तो यहाँ पर बहुत धूम धूम मच रही थी, सब लोग बहुत स्पीड रेडी हो रहे थे, मेरा ही ख़त्म नहीं हो रहा था। तो हम बस ऑंट रहे थे कि तुम्हारा को लेके ही नहीं जाना, तुम ही सबसे ज़्यादा लेट करते। हम ना जा रहे शॉपिंग करने के लिए, चलो जल्दी, और अम्मी के 10 बातें सुनने से पहले। तो जैसे आपको बताया, मैं हमेशा मेरे साथ अपना बॉटल लेकर जाती हूँ, तो साथ ही साथ एक्सेसरीज पहनने का मुझे आजकल शौक उठा है, तो वो भी मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। ऑटो में यहाँ पर पहन ली हूँ। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज था मेरा अरबी का एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम से आने के बाद मैं सो गई थी। फिर जैसे ही मैं 5:30 के करीब उठती हूँ तो मम्मी बोले कि जल्दी से रेडी हो, हमें बाहर जाना है थोड़ा सामान लाने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। तो वो हम निकल गए। मेरे को ये ब्रिज का व्यू बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ यहाँ से माउंटेन, ट्रीज, सनसेट, क्लाउड्स, बर्ड्स, एवरीथिंग, सब कुछ नज़र आता है। तो मैं, अम्मी और मेरे एल्डर सिस्टर और उनकी बेबी जा रहे हैं शॉपिंग करने। हाँ, ज़िंदगी में एक बार फलकनुमा पैलेस तो ज़रूर जाना है। वहाँ जाके देखने का मजा, वहाँ जाके एंजॉय करने की खुशी, मेरे व्यूवर्स को शेयर करने की खुशी अलग है। अच्छा, तो सबसे पहले हम आ गए हैं बारकस। यहाँ पर एक घर में कलेक्शन ऑफ क्लॉजेट्स है, तो हमें पता चला तो हम यहाँ पर आ गए हैं। देखते हैं अंदर कैसा होता है, क्या होता है। द मेन रीज़न हमारा यहाँ जाने का, हमें चाहिए थे दुबई या सऊदी अरेबिया से इंपोर्टेड किए हुए नमाज के दुपट्टे, जो हम नॉर्मली घर में पहनते हैं, आप मेरे व्लॉग्स में भी देखते होंगे, और हम दूसरे मैक्सिमम पे भी मैच करके पहन सकते हैं। व्हेन आई विजिट हियर, यहाँ पर लोगों के पास इतना प्यारा कलेक्शन था। टू बी ऑनेस्ट, मैं जब देखी तो आई वॉज मेल्ड के वाओ, यहाँ पर वो सब कुछ था जो एक बच्ची को चाहिए, लाइक पार्टी वेयर, वेडिंग वेयर, नॉर्मल क्लोजेट्स, घर में पहनने वाले, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ हियर। प्राइजेस जब मैं मालूम करी तो इट वॉज़ वेरी अफोर्डेबल। एक तो ये दुबई और सऊदी अरेबिया से इम्पोर्ट किए हुए हैं और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। चलो जाना है जल्दी, 8 बज रही। हाँ, उम्रे को जा रहे हैं सदी का। जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, बहुत से लड़कियों ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि आपकी तरह नकाब कहाँ मिलेगा, आप नकाब कहाँ से लेते हो। तो हियर इज़ द शॉप अब्दुल रहमान कलेक्शन करके सलाला बारकस में, इनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन है। जब जहरा मेरे लिए फेस पीस लेकर आए थे तभी मैं डिसाइड कर ली थी कि आप लोगों के लिए मैं ज़रूर पर्सनली विज़िट करूँगी दोबारा शॉप पे, और सारी डिटेल आप सबसे शेयर करूँगी। दिस इज़ नॉट एट ऑल अ प्रमोशन वीडियो, बस बहुत सारे लड़कियों का सवाल मुझसे होता है इसीलिए मैं शूट कर रही हूँ। इसके अलावा इनके पास
पास हिजाब, क्लोजेट, किड्स और भी बहुत सारे कलेक्शन हैं जो मुझे पसंद आए। छोटे नकाब के साथ बड़े नकाब भी इनके पास बहुत अच्छे हैं अफोर्डेबल प्राइस में। जो मैं एक लेकर आई वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। जैसे आपने देखा इनकी शॉप पे अलग अलग डिज़ाइंस के बहुत से नकाब है, इम्पोर्टेड है एंड अफोर्डेबल प्राइस में है। आई होप कि जितनी भी लड़कियों का मुझसे सवाल था कि आपकी तरह नकाब कहाँ पर मिलेगा, तो मैंने पर्सनली आप सबके लिए ये शॉप ढूंढी है। आई होप आपको पसंद आएगी। डू विजिट दिस शॉप एंड ग्रैब योर्स। बारकस आने का जो मकसद था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया और माशाल्लाह से हमने बहुत अच्छी शॉपिंग की है, क्योंकि बार बार एक जगह आते नहीं है, तो एक बार आओ और बहुत कुछ लेकर जाओ। वैसे घर जाते जाते वापसी में कुछ खाना तो बनता है, तो हम यहाँ पर गचुप खाने के लिए रुके थे, जिसको मैं रेट करूँगी 5 out of 2, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उसके बाद हमने पी चाय, जो कि अच्छी थी लेकिन मेरी ज़ुबान जल गई थी। हम 4 sisters में मेरे 2 भाई है, एक बाहर होते हैं और एक यहाँ पर मेरे से छोटा वाला, जिसकी हमेशा अम्मी से शिकायत होती है कि अम्मी आप अपनी बेटियों को शॉपिंग कराते हो, मेरे लिए क्या लेकर आए। तो हम उसके लिए लेकर आए थे मरियम लोशन, जो कि एक परफ्यूम और फ्रेग्रेंस की तरह होता है एंड हलाल है। इसके अलावा घर आते बच्चे सारे लपट जाते हैं, एंड ये सारा कुछ था जो हमने शॉपिंग करके लेकर आया था, वो मैं साथ साथ आपको बताते जाऊँगी। अच्छा, तो मेरे साथ मेरे नीज एंड नेफ्यूज़ रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती है, इसीलिए मैं वॉइस ओवर करना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। फातिमा जी की जबरदस्त दिख रही तुम इसमें। मैं बोली अंकल देखो ये इधर से सिलेवा रहना, इधर भी डोरी रहना, बीच में भी डोरी रहना, और ये कपड़ा भी बड़ा रहना और मोटा भी रहना। लाइट खोलो फातिमा। और पीछे का लंबा रहना, पीछे का लंबा रहना बोली। दुकान का शॉप का एड्रेस डाल दी लोगों ने, जाके जबरदस्त चीजा है, आप ला भी ले सकते। कितने की लोग हमें से पूछते थे कि आप फेस पीस कहाँ से लेते हैं, बोलिए हम आपको भी, तो आप एड्रेस डाल। ये था वो नकाब जो मैं दीदी के लिए लेकर आई थी, ये कुछ 1000 का था और मुझे 900 में पड़ा है। बहुत अफोर्डेबल है, ये इम्पोर्टेड है और इसका पैटर्न आप देखें कितना खूबसूरत है। एनीवेज ये है वो दुपट्टास जो हमने लेकर आए हैं, 23+ कुछ दुपट्टास हम लेकर आए, सारे सिबलिंग्स भाभी और अम्मी को मिलाकर। कुछ हमने प्लेन लिए है, कुछ हमने फ्लोरल लिए है, जो आगे हम ऑलमोस्ट 3-4 months तक तो आराम से चल जाएंगे। इसके अलावा इसकी क्वालिटी मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ, जो वॉश करने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाएगी। बस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप अगर आपको थोड़ा सा पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आप में से कोई वो शॉप विजिट करे तो डोंट फॉरगेट टू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।